श्री कुंज विहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो भी यहाँ पर हम जुटे हैं प्रसाद वितरण के लिए, और वो नज़ारा आप देख सकते हैं कि आज ठाकुर जी के आज आखिरी दिन है कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि जिसको देव दिवाली भी बोलते हैं। एक आध दो वो लाओ ना, छील के दो, गैया को खिलाएंगे, तो देव दिवाली भी बोलते हैं। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, आखिरी दिन है कार्तिक का, इसीलिए बहुत रश है वृंदावन में। और जिसका नज़ारा आप लोग देख सकते हो कि कितना रश इस टाइम वृंदावन में और कितनी परिक्रमा चल रही है। तो यहाँ प्रसाद वितरण में हम लोग शामिल हैं। छील छील गई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भैया बहुत रश चल रहा है वृंदावन में इस वक्त, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितने भक्त लोग लगे हैं ठाकुर जी की परिक्रमा लगाने के लिए, कितने भक्त लोग लगे हैं। और हमने भी काफ़ी प्रसाद मंगा रखा है इसीलिए, ताकि सभी को प्रसाद मिल सके। ज़्यादा कितने हम लोगों को प्रसाद दे सकें वो बिहारी जी की कृपा रहेगी। तो यहाँ पर प्रसाद वितरण चल रहा है और बिहारी जी की कृपा से लाइव चल रही है। तो उसको शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी भक्त लोग आनंद ले सकें और प्रसाद वितरण में आप लोग हमारे साथ शामिल हो सकें। ये सभी परिक्रमा लगाने वाले भक्त हैं जिनको प्रसाद वितरण मिल रहा है, और बिहारी जी की कृपा रहे सदैव। और ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है कि प्रसाद उन भक्तों के लिए जो अपने मेहनत करके, यानी कि शारीरिक रूप से जो बिहारी जी की आराधना करते हैं, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। और श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगाने का मतलब है कि जितने भी वृंदावन धाम में मंदिर आते हैं उन सभी की परिक्रमा होना, बाकी बिहारी जी की भी, निधवन की भी, सभी मंदिरों की परिक्रमा होना, और ऐसे स्थान का, ऐसे दिव्य पवित्र स्थान की परिक्रमा देना जहाँ पर कि देवी देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है, जहाँ पर आपको गोपी और ग्वाले बनकर ही आना होता है, आप गोपी और ग्वाले बनकर ही यहाँ पर सेवा करने के लिए आ सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये और कहीं नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सुख जो मिलता है, ये जो शांति मिलती है, ये सिर्फ श्री धाम वृंदावन में ही मिलती है। तो इसीलिए सभी लोग बोलेंगे श्री वृंदावन धाम की जय हो। भैया इतना ट्रैफिक है आज, तो ये देख सकते हैं हम कि कितना ट्रैफिक है, पीछे रुके हुए हैं
तो काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि आज वृंदावन धाम की परिक्रमा है और वृंदावन धाम की तो बात ही निराली है, अद्भुत है वृंदावन धाम अपना। तो आप लोग भी वृंदावन धाम आए वापस से, यही हमारी मंगल कामना है कि आप लोग भी हमारे साथ वृंदावन धाम में जुड़ें, बिहारी जी के दर्शन करें, बिहारी जी की कृपा आप सभी भक्तों पर पूर्ण रूप से बनी रहे जिसका कि आनंद आप लोग उठा सकते हैं। और प्रसाद वितरण में भक्त लोग आनंद ले रहे हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये परिक्रमा देते हुए जा रहे हैं भक्त कुंज बिहारी श्री हरदास। अच्छा, आप लोग जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं और जो लोग वृंदावन नहीं आ सकते लेकिन मानसिक रूप से एटलीस्ट आप यहाँ वृंदावन धाम की ना परिक्रमा के दर्शन कर पा रहे हो, जो परिक्रमा स्थली है, जो भक्त हैं, जो परिक्रमार्थी भक्त हैं उनके दर्शन कर पा रहे हो, और उनके दर्शन भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो हम लोग नहीं आ सकते, जो लोग भक्त नहीं आ पा रहे हैं, कार्तिक आज आखिरी दिन है। मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ एक चीज़ और कि जिन्होंने कार्तिक में दीपदान नहीं किया हो वो अपने घर में अपने ठाकुर जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कीजिए। आप एक दीपक जलाइए घी का और एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का। इसके साथ साथ आपको जहाँ पर नदी वगैरह हैं जैसे यमुना जी गंगा जी आपके घर के आसपास बहती हैं तो वहाँ पर भी आप दीप प्रज्वलित करके आइए, वो सुख वो आनंद आप लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। और अभी प्रसाद वितरण में आप लोग फिर से शामिल होकर इन भक्तों के दर्शन करिए, इन भक्तों के दर्शन से आपको भी कृपा मिलेगी। इनसे भी डिस्ट्रीब्यूट करा दो, ये लोग आए कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारनदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन नाम। तो कुछ भक्त हमारे साथ और जुड़े हैं जो कि प्रसाद वितरण में शामिल हैं, वो सेवा करना चाहते हैं, प्रसाद बांटना चाहते हैं, काफ़ी दूर से आए हैं इसी सेवा भाव के लिए। तो उनके भी अच्छी बात है कि ऐसे और भी जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आनंद लीजिए, बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर बरसती रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। मेरे बाकी बिहारी यहाँ पे खड़ा कर दे इनको, यहाँ से देते जाएंगे। मेरे बाकी बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाए। कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे 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 बोल मना तन का क्या पता, राधे 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 बोल। कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। इनको पकड़ा दे कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ऐसे ही प्रसाद वितरण में बिहारी जी महाराज की जो कृपा है वो सभी पर रहे, ऐसे ही भक्त बिहारी जी का प्रसाद परिक्रमार्थी जो भक्त आ रहे हैं और उनमें बांट सकें, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ये एक भाव है ठाकुर जी का प्रति लोगों का, ये कृपा है जो ठाकुर जी सभी भक्तों पर दें। ऐसे ही ये भक्त शामिल हैं हमारे साथ जो काफ़ी दूर से आए हैं प्रसाद वितरण करने के लिए स्पेशली, बहुत अच्छी बात है, आनंद लेते रहिए। ये इस भक्ति को भी प्रणाम है। तो फिर से आप लोगों के साथ एक नए लाइव सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक देते हैं विराम। और सुबह हमने आज कार्तिक पूर्णिमा की जो आज आखिरी है उसकी श्रृंगार आरती करी थी, तो जिन भक्तों ने नहीं किया वो दर्शन वो प्लीज़ कर लीजिएगा फेसबुक लाइव पर और उसका भरपूर आनंद उठाइए। और अभी कार्तिक पूर्णिमा पर जो परिक्रमा देने आए हैं वो भी आनंद लें कार्तिक पूर्णिमा का भरपूर। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जाप करते रहिए,
और अपनी कार्तिक पूर्णिमा। और आज एक मैंने वीडियो बनाई है, मैं अपलोड करूँगा, एक भक्त द्वारा 1,00,000 बत्तियाँ जलाई गई हैं, वो दर्शन भी आप ज़रूर करिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर आज एक भक्त द्वारा 1,00,000 बत्तियाँ जलाई गई हैं, तो वो आनंद भी आप लोग उठा सकते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। तो देते हैं लाइव सेशन को विराम, तब तक फिर अगले लाइव सेशन में मुलाकात करेंगे। जय बिहारी जी की, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।